नमस्कार, आप सुन रहे हैं पत्रिका पॉडकास्ट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक लघु कथा जिसका शीर्षक है पैकेज। इसके रचयिता हैं दिलीप शर्मा। सुबह की सैर के बाद आज फिर मनोहर जी अपने एनआरआई बेटों के पैकेजिंग का जिक्र कॉलोनी के पार्क में करने लगे, जो कि अब उनकी एक आदत सी बन गई थी। कहने लगे, मेरे दोनों बेटे विदेश में बहुत मोटे पैकेज पे कार्यरत हैं, साथ ही साथ साल में एक बार देश विदेश की यात्रा, वो भी परिवार संग। दोनों बेटे आए दिन कुछ ना कुछ महंगे महंगे उपहार भेजते ही रहते हैं। तो और सुनाओ कल्याण भाई, तुम्हारा कैसा चल रहा है? कल्याण जी ठहरे सरल शब्दों में तीखी बात कहने वाले। कहने लगे, मनोहर जी, आपने अपने बच्चों के साथ बैठकर कब खाना खाया था और कब उन्होंने आपके साथ एक पूरा दिन बिताया था? याद करने पर भी याद नहीं आ रहा ना? मेरे दोनों बेटे भले ही आपके बेटों की तुलना में कम कमाते हों, पर शाम का खाना मेरे साथ ही बैठकर खाते हैं और अपना कीमती समय मुझे उपहार में देते हैं। इससे बड़ा पैकेज किसी पिता के लिए भला क्या होगा? मनोहर जी को काटो तो खून नहीं वाली कहावत चरितार्थ हो रही थी, पर आज मनोहर जी को पैकेज का सही अर्थ समझ में आया और वे मोटे पैकेज में भार में खुद को धसा हुआ महसूस कर रहे थे।